Now the second question on Handy Law is Handy Law constant of carbon dioxide in water is 1.67 into 10 to the power 8 pascal at 298 Kelvin. Calculate the amount of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm pressure at 298 Kelvin. मतलब एक बोतल के अंदर या कंटेनर के अंदर ठीक है 500 ml वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गया तो सोडा वाटर कहा है, और उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किए हैं, डिसॉल्व किए हैं CO2 गैस को। CO2 गैस को किस प्रेशर पे डिसॉल्व किया गया है, इट इज डिसॉल्व एट 2.5 atm प्रेशर। ठीक है, KH दिया हुआ है 1.67 into 10 to the power 8 pascal, Henry law constant diya hua, pressure diya hua 2.5, atmospheric pressure pe dissolve kiya ja raha hai, to hum log Henry law se jante hain P equal to kya hoga beta, KH into HCO2, matlab pressure of carbon dioxide equal to Henry law constant into mole fractions of carbon dioxide, ab mole fractions of carbon dioxide equal to kya ho jayega, tab P by KH, P कितना दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर, लेकिन आप देख रहे हो कि KH पास्कल में, तो इसको चेंज करना होगा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 को, 101325 पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101325 पास्कल होता है, तो 2.5 इनटू 101325 डिवाइडेड बाय KH कितना हो गया बेटा 1.67 इनटू 10 टू द पावर 8, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1.52 इनटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, यहां तक। अब मोल फ्रैक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये किसके बराबर हो गया 1.52 इनटू 10 टू द पावर -3। देखो KH का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, यानी बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्वड है as compared to water, तो number of moles of carbon dioxide क्या होगा, negligible होगा as compared to number of moles of water, क्यों negligible होगा, क्योंकि KH का value ज्यादा होने का मतलब बहुत कम carbon dioxide water में dissolve कर रहा है, तो इसको हम neglect कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो हटा देंगे तो क्या बचेगा, number of moles of CO2 divided by number of moles of water equal to 1.52 into 10 to the power -3, यहां से number of moles of carbon dioxide क्या हो जाएगा था 1.52 into 10 to the power -3 into number of moles of water. अब number of moles of water कैसे calculate करेंगे? हमको 500 milliliter water दिया है. 500 milliliter water is equal to हम लिख सकते हैं 500 gram water. क्यों लिखे? क्योंकि water का density कितना होता है बेटा? 1 gram per milliliter. तो इसको multiply कर देंगे तो यही आ जाएगा. तो mass हो गया water का 500 gram. यानी ये 500 milliliter किसके बराबर है? 500 gram water के बराबर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इससे कैलकुलेट कर लोगे 500 डिवाइडेड बाय 80, ये आ रहा है 27.77 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यहां पुट कर दिए इसको, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आ जाएगा, आप कर सकते हो 42.21 into 10 to the power -3। अब तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका क्या निकल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेजेंट है, कितना डिसॉल्व है इसमें, तो मास इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना 44 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1.85 ग्राम, यानी 1.85 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 500 ml वाटर में डिसॉल्व है या 500 ग्राम वाटर में